मंत्र क्या है? मंत्र शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जब कोई निश्चित वर्ण समूह अपना विशेष प्रभाव दिखा करके साधक का अभिष्ट सिद्ध करने लगे, उसका मनोरथ पूर्ण कर दे, तो वह मंत्र कहलाता है। अतः देवताओं की जाने वाली स्तुतियां, वैदिक ऋचाएं, कुरान शरीफ की आयतें, जैन बौद्ध द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं, ईसाइयों द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं और श्री रामचरित मानस की चौपाइयां, ये सभी मंत्र ही हैं। ध्वनि विशेषज्ञ भली भांति जानते हैं निश्चित वर्ण समूह या किसी निश्चित ध्वनि का किस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है। मंत्र का किस प्रकार प्रभाव होता है, ये किस प्रकार कार्य करता है, इसको आप एक छोटे से उदाहरण से बड़े स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन, जब आप सही नंबर सही ढंग से डायल करते हैं तो आपकी निश्चित जगह पर बात हो जाती है और आपका काम बन जाता है। ठीक वैसे ही जब निश्चित वर्ण समूह से की जाने वाली प्रार्थना या जिसे आप मंत्र कहते हैं, उसका निश्चित जाप करते हैं, तो उसका अभिष्ट देव आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपका मनोरथ सिद्ध कर देती है। यही मंत्र है और यही मंत्र का व्यापक अर्थ है और इसका प्रयोग है।